टॉप ट्रेंडिंग बैंक में आज सरकारी बैंक इंडियन बैंक पहुंच गया। आज फंड के 52 सप्ताह के बाद उच्चतम स्तर के पास के रूप इंडियन बैंक का सामने आया। आज सुबह बाजार खुलते इसने जोरदार ब्रेकआउट दर्ज किया। आज इसके शेयरों में जो कारोबार हुआ औसत से अधिक रहा। स्टॉक में मजबूत बाइंग इंटरेस्ट को इंगित करता है। सरकारी क्षेत्र के इंडियन बैंक का शेयर गुरुवार को टॉप ट्रेंडिंग शेयरों में से एक है। शुरुआती कारोबार में इसने 5% से अधिक की छलांग लगाई। यह पिछले कई दिनों से 172 से 182 के दायरे में मजबूत हो रहा था। आज सुबह बाजार खुलते ही इसने जोरदार ब्रेकआउट दर्ज किया। आज इसके शेयरों में जो कारोबार औसत से अधिक है यह मजबूत बाइंग इंटरेस्ट को इंगित करता है। शेयर 187.80 रुपये के स्तर पर दिन के स्तर पर पहुंच गया है और अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के पास जो कारोबार कर रहा है यह अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर है। इस प्रकार प्राइस स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। इस शेयर के टेक्निकल पैरामीटर भी मजबूती के संकेत देते हैं। 14 अवधि का दैनिक RSI 69.23 सुपर बुलिश क्षेत्र में कूद गया। इसके अलावा MACD एक तेजी से क्रॉसओवर का संकेत क्योंकि MACD लाइन सिग्नल लाइन के खिलाफ क्लोजिंग कर रही है। इसका OVV बढ़ रहा है जो वॉल्यूम के नज़रिए से अच्छी मजबूती का संकेत देता है। कुल मिलाकर स्टॉक तकनीकी रूप से मजबूत और आने वाले दिनों में और अधिक कारोबार करने की उम्मीद यह उम्मीद की जा रही है कि यह 195 रुपये के लेवल को टेस्ट करेगा। इसके बाद अल्प से मध्यम अवधि में 200 रुपये तक जा सकता है। इस दौरान 175 रुपये का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। यह शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है। इस स्टॉक से अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है।